दोस्तों, काफ़ी दिनों से हमारे एक सब्सक्राइबर कमेंट कर रहे थे कि एक नॉर्मली किसी भी चार्जर को हम कैसे मॉडिफाई करके अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आज आपको मैं एक नॉर्मली मोबाइल चार्जर को अपग्रेड करके 5 वोल्ट से 12 वोल्ट में कैसे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ये मैं बताऊंगा, और इजी तरीके से बताऊंगा। काफ़ी इजी स्टेप है जिसको आप घर पर भी फॉलो करके किसी भी लोकल चार्जर को मॉडिफाई करके आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो का कोई भी पार्ट कट ना करें, वरना छोटी छोटी इंपॉर्टेंट नॉलेज आप मिस कर जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको दिखा दूँ, बहुत सारे मेरे पास यहाँ पर चार्जर पड़े हैं जो कि चाइना वाले हैं, और चाइना वालों को मॉडिफाई करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर आज इस वीडियो में आपको बता दूंगा। यहाँ पर नॉर्मली USB वाले भी हैं, ये वाले भी हैं, और जिसमें नॉर्मली 2 ट्रांजिस्टर का यूज होता है। किसी किसी में यहाँ पर 3 ट्रांजिस्टर का, किसी में 1 ट्रांजिस्टर का भी यूज होता है। नॉर्मली यहाँ पर 13001 और 13003 वाले ट्रांजिस्टर का ज़्यादातर चार्जर में यूज होता है। चलिए, यहाँ पर मैं किसी एक चार्जर को ही उठा लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, सारे चार्जर बिल्कुल एक जैसे हैं। चलिए, इसको ही मैं उठा लेता हूँ जो कि यहाँ पर हमारा 5 वोल्ट आउटपुट करता है। उसको हम मॉडिफाई करके 12 वोल्ट आउटपुट वाला बनाएंगे, और इसमें सिर्फ एक या 2 कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली जो मेन कंपोनेंट होगा एक ही होगा, उसकी जरूरत हमें पड़ेगी। आगे वीडियो में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि यह चार्जर हमारे 5 वोल्ट का है, और चेक करके भी दिखाऊंगा, लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा। अच्छी तरह इसको देख लीजिए, पहचान लीजिए, बाद में ये ना कहें कि भाई आपने चार्जर चेंज कर दिया। तो इसको आप देख सकते हैं, और पीछे भी आपको दिखा दूँ, इसमें ट्रांसफार्मर, रजिस्टर वगैरह जो भी आपको देखना हो स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको चेक करवा के मैं दिखा देता हूँ ये कितने वोल्ट हमारा आउटपुट करता है। तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ पर इसके वायर वगैरह कनेक्ट कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो आपको एक चीज़ बता दूँ, हम मॉडिफिकेशन सिर्फ चाइना के चार्जर में ही बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और अगर हम किसी भी कंपनी के चार्जर को हम मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वहाँ हमें काफ़ी सारा मशक्कत करनी पड़ेगी, और वहाँ पर उसमें बहुत ही टफ मामला हमें पड़ने वाला है। फिलहाल अभी चाइना पर ही बता देता हूँ, कभी मौका मिला तो आपको उसमें भी प्रैक्टिकल करके बताऊँगा, कभी मेरे पास चार्जर आया तो। चलिए, यहाँ पर मैंने इसकी मेन लाइन जोड़ दी है। अभी यहाँ पर चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको सारा लाइन वगैरह ओके करके आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए, मैंने इसको जोड़ लिया है, अब इसमें ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये ऑन हो चुका है, LED जल चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इसमें आउटपुट कितना हमें दे रहा है, चलिए ये भी दिखा देता हूँ। चलिए, इसको पहले मैं बंद करके इसको मैं उल्टा करके आपको दिखा देता हूँ कि कितना आउटपुट हमें यहाँ दे रहा है। तो चलिए, इसको यहाँ पर फंसा लिया है, अब ऑन कर लिया मैंने, आप देख सकते हैं LED यहाँ पर चल पड़ी। तो यहाँ पर इसकी वोल्टेज मैं आपको चेक करवा देता हूँ कितना यहाँ पर हमें अभी आउटपुट यह दे रहा है। तो देख लीजिए, यहाँ पर 5 47 48, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जस्ट एक कंपोनेंट मैं चेंज करूँगा, उसके बाद आपको दिखा दूँगा कि इसमें कितना हमारा वोल्टेज इंक्रीज हुआ। चलिए, यहाँ पर इसको साइड में रख लेता हूँ, और यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर 2 जेनर डायोड लगी रहती हैं। आप इस चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ये ज़रूर देखिएगा। इसीलिए कहता हूँ कि वीडियो का कोई भी पार्ट आप कट ना करें, वरना छोटी छोटी नॉइज को आप मिस कर जाएंगे। तो जो 2 जेनर लगे हुए हैं, आपको फिर क्लियर करके मैं दिखाऊं, एक जेनर ये है और एक जेनर ये है। तो इन 2 जेनर पे एक ऐसी जेनर होती है जिसको हमने हटाकर उसके जगह पे ज़्यादा वोल्ट का जेनर लगाना होता है। इनमें कोई एक जेनर होगा जिसमें लिखा होगा कुछ, जो जेनर की वैल्यू है वोल्ट में दर्शाई गई होगी, मतलब V जरूर लिखा होगा। जैसे इसमें 5 वोल्ट का, 4.5 वोल्ट का, जितने भी वोल्ट हमारा आउटपुट आना है उतने वोल्ट का यहाँ पर जेनर लगी होगी। तो कोई भी जेनर आप देखेंगे तो मार्केट में जाएंगे तो हमें अभी इस चार्जर को मॉडिफाई करके 12 वोल्ट का बनाना है। तो हमने मार्केट से 12 वोल्ट का जेनर उठा लेना है। अगर वो भी नहीं है तो ये भी ऑप्शन आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, फिलहाल यहाँ पर जो जेनर लगी हुई है 5 वोल्ट की लगी है। अब यहाँ पर मेरे पास 12 वोल्ट की जेनर तो है नहीं, तो अभी हमने करना क्या है, किसी भी चार्जर से, किसी भी 5 वोल्ट के चार्जर से मैंने एक जेनर निकाल लेनी है वोल्ट वाली, जिसमें V लिखा हो, कुछ भी वैल्यू जेनर की वोल्ट में दर्शाई गई हो। जैसे यहाँ पर 9V करके लिखा हुआ है, एक मिनट, 9V ही है, हाँ 9V ही है। तो यहाँ पर पहले जेनर का, इसका आपको जेनर की डेटा शीट वगैरह अगर देखनी हो तो गूगल में जाके जेनर की वोल्टेज लिख लीजिए, आपको पूरी डेटा शीट निकल के आएगी। ये सब छोड़ दीजिए, आप किसी भी 5 वोल्ट के चार्जर से 9V वाली जेनर निकाल लीजिए।
जिसकी जो वैल्यू है वोल्ट में दिखाई गई हो। अब इसमें जेनर में कोई सी भी एक लेग आप डिसोल्डरिंग कर लीजिए। यहाँ पर अगर 12 वोल्ट की है तो इसको उठा के 12 वोल्ट की जेनर डाल लीजिए, उसका एनोड कैथोड या प्लस माइनस आप देख के लगा लीजिएगा। उसके बाद भी यही नहीं, हमने और भी कुछ बदलाव इसमें करना होगा। सबसे पहले इसको निकाल लेता हूँ, इन चीज़ों को हमने समझना होगा। तो सबसे पहले इसकी एक लेग में उठा लेता हूँ जेनर की, तो उसके बाद हमने मेन मॉडिफिकेशन इसके बाद करना होगा। इसकी फ़िलहाल अभी 12 वोल्ट की नहीं है तो इसी में हमने दूसरा काम अभी करना है। देखिए यहाँ पर इसकी एक लेग मैंने उठा ली, एक मिनट, तो ये है जेनर की एक लेग मैंने यहाँ पर उठा ली है। तो ये वाली जेनर है, इसकी एक लेग मैंने ऐसे उठा ली है, तो आप देख सकते हैं जेनर की एक लेग उठा ली है। अब देखिए इसी नंबर की एक और जेनर मैं किसी और चार्जर से निकाल के पहले ऑलरेडी मैंने रखी हुई, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए इसमें वैल्यू आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर माइक्रो कैमरा को मैंने ऑन कर लिया है, तो देख सकते हैं आप 9VIPH करके लिखा हुआ है, 9VIPH करके लिखा हुआ है, जो ये 5 वोल्ट के सर्किट में हमारी ये जेनर लगी है, इसी नंबर की हमारी जेनर लगी है। तो इसी जेनर को हमने किसी और चार्जर से निकाल लेना है। अब देखिए ये जो दूसरी जेनर हमने एक लेग उसकी उठाई थी, तो वहीं पर दूसरी जेनर को भी हमने सीरीज में लगा लेना होगा। तो वहाँ पर देखिए दोनों जेनर का जो है जो ब्लैक वाला हिस्सा होगा एक ही तरफ को होगा, जैसे उसका नीचे की तरफ को है तो इसका भी उसकी तरफ को ही होगा, मतलब नीचे जो हम सोल्डरिंग करेंगे तो दोनों जो है सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगी जेनर एक दूसरे से। तो देखिए यहाँ पर एक मिनट, इसको मैं यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेता हूँ, फिर आपको क्लियरली मैं दिखा के समझा दूँगा। तो यहाँ पर इसको सोल्डरिंग झट से मैं कर लूँ पहले, फिर आपको मैं दिखा दूँगा। तो ये चीज़ आपने बड़ी ही ध्यान से करनी होगी, तब जाके हमारा मॉडिफिकेशन कंप्लीट होगा। और उसके बाद भी ये कंपोनेंट और हटाना होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए इसको मैं जल्दी से सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो ये देखिए सोल्डरिंग मैंने कर लिया है, दोनों जेनर को सीरीज में मैंने कनेक्ट कर लिया है, मतलब ये जेनर का इस दोनों जेनर में एक जेनर का पूछ नीचे को और काला वाला हिस्सा मतलब सिंपल वाला हिस्सा नीचे को, और ऐसे सीरीज में लग के मतलब सीरीज में लग के काला वाला हिस्सा इस तरफ को, मतलब दोनों जेनर का काला वाला हिस्सा ऐसे एक सीरीज में आएगा। देखिए आप देख सकते हैं, अगर आपको ये भी बता दिया, अगर 12 वोल्ट का आपने एक चार्जर बनाया था, अगर आपके पास 12 वोल्ट की जेनर है तो 12 इसमें लगा लीजिए, अगर ज़्यादा जितने भी वोल्ट की आपने ये चार्जर को बनाना है उतने ही वोल्ट का आप इसमें जेनर ऐड कर लीजिए। यहाँ पर मेरे पास जैसे 12 वोल्ट का बनाने के लिए एक सिंपल जेनर नहीं थी, तो यहाँ पर दोनों जेनर को लगा दिए, 5-5 वोल्ट के जेनर लगा दिए, कितना हुआ 10 या 11, 5.5 था एक जेनर से, 5.5 मतलब चार्जर से 5.5 वोल्ट के आसपास निकल ली थी, तो दोनों जेनर का मिला लीजिए लगभग 11-11.5 के आसपास हमें यहाँ पर वोल्टेज आउटपुट मिलेगी यहाँ पर जेनर। अब देखिए यहाँ पर बस एक चेंजिंग और करनी है सीरीज में लगाने के बाद। अब जो आउटपुट में हमारा ये देखिए इनपुट के पास ये वाला हो गया हमारा कैपेसिटर, और आउटपुट के पास, दोस्तों इतना डीपली इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं, ये मत कीजिए, आधी वीडियो देखते हैं गलती करते हैं, बाद में शॉर्ट सर्किट या कोई और प्रॉब्लम होती है तो आप फिर हमें दोष बताते हैं। तो आप पूरी जानकारी एक बार ले लीजिए, आधी जानकारी आपके लिए सही नहीं होगी। तो आउटपुट में जो हमारा कैपेसिटर है, यहाँ से हमारी आउटपुट लेते हैं सोर्स, तो कैपेसिटर देखिए, अब भाई यहाँ से हमें 12 वोल्ट आउटपुट मिल रही है, तो यहाँ पर कैपेसिटर कितने वोल्ट का हमें दिख रहा है, देखिए 10 वोल्ट का, एक मिनट आपको दिखा दूँ, 10 वोल्ट का भाई। अब 12 वोल्ट आउटपुट मिल रही है तो 10 वोल्ट हम कैपेसिटर लगाएंगे, उसका मतलब कैपेसिटर फट जाएगा। वोल्टेज कोई भी कैपेसिटर जो होता है उससे ओवरवोल्ट अगर हमारी पास होती है तो वो कैपेसिटर फटने के चांसेस 100% होते हैं। अब यहाँ पर हमने 12 वोल्ट का तो कैपेसिटर मिलता नहीं है, तो 16 वोल्ट का यहाँ पर लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर 470 माइक्रोफेरेट का है, तो यहाँ पर आप 16 वोल्ट और माइक्रोफेरेट को आप 470 से ऊपर का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ज़्यादा ऊपर का मत लगाइएगा। यहाँ पर मेरे पास एक जो कैपेसिटर है वो है 16 वोल्ट का, लेकिन यहाँ पर माइक्रोफेरेट थोड़ी कम है, एग्जाम्पल के लिए आपको लगा के मैं दिखा देता हूँ, लेकिन आपसे यह कहूँगा कि माइक्रोफेरेट थोड़ा सा बढ़ा लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो आप इसमें इतना तो काम कर ही लीजिएगा। तो 16 वोल्ट का लगाइए, जैसे 12 वोल्ट हमें आउटपुट चाहिए तो 16 वोल्ट का, अगर 20 वोल्ट आउटपुट चाहिए तो आप लगाइए 25 वोल्ट का, और ऐसे ही, और कैपेसिटर को चेंज करना आप मत भूलिएगा, तो प्लस की जगह प्लस और माइनस की जगह माइनस को ज़रूर यहाँ पर आप लगा लीजिए। तो ये चीज़ आपने इसमें ध्यान देनी होगी। तो चलिए इसको मैंने सोल्डरिंग कर लिया है लगभग, अब बात आती टेस्टिंग की, तो इसको एक मिनट यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेता हूँ, और चलिए सोल्डरिंग हो चुका है, अब करते हैं इसको टेस्ट। चलिए इसको रखता हूँ साइड पे, वही चार्जर है, आप ये मत कहिएगा चेंज कर दिया यार, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैंने पहले इसको पलट देता हूँ एक मिनट, और यहाँ पर इसको मैं इसके सारी वायर वगैरह यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ, और फिर आपको मैं बताता हूँ। एक मिनट, सारी टायर कनेक्ट कर ली, एक कनेक्ट कर ली और दूसरी भी मैंने यहाँ पर कनेक्ट
कर ली है। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर इसको सेट तो कर लिया है, एक मिनट, तो चलिए इसको दिखाता हूँ आपको कितना आउटपुट हमें यहाँ पर दे रहा है। फ़िलहाल 1166 मतलब लगभग 11 11.5 के आसपास हमें आउटपुट इसमें मिल रहा है। अगर आप 12 वोल्ट का इसमें जेनर डालते हैं तो यह बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आउटपुट देगा, मतलब 12 के आसपास यहाँ पर आउटपुट आपको तो देगा। आप यहाँ पर देख, एक मिनट, इसको फुल एसी यहाँ पर चल रहा है, ये हार्मफुल हो सकता है, इसको आप इजी हाथ से टच ना करें क्योंकि यहाँ पर पूरा 220 वोल्ट हमें एसी करंट मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों जेनर यहाँ पर लगे हुए बिल्कुल सीरीज वाइज। आप ये मत कहिएगा कि पलट के तो दिखा दिया भाई, उल्टा करके शायद आपने दूसरा चार्जर कर लिया होगा, ये मत कहिएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ जो आप इजी तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर दोनों जेनर आप दे सकते हैं जो आपको सीरीज में दिख रही होंगी, देखिए आप फिर से देख लीजिएगा, ये देखिए। और यहाँ पर जो कैपेसिटर मैंने पकड़ा हुआ, एक मिनट, वो वाला कैपेसिटर आपको दिखा दूँ, 16 वोल्ट का है यहाँ पर। एक मिनट यार, कैसे दिखाऊँ, फुल एसी करंट पर यार चल रहा है, इसमें खतरा ही होगा। तो ये देख लीजिए, एक मिनट, यहाँ पर कैसे दिखाऊँ यार, 16 वोल्ट का यह कैपेसिटर है, तो यहाँ पर दिख नहीं रहा, लेकिन आपने ये देख लिया होगा, देखिए फोकस नहीं कर पा रहा कैमरा, हाँ देख सकते हो 16 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो सब कुछ आपको दिखा दिया, अभी आप ये मत कहिएगा कि भाई आप गलत जानकारी देते हो या फेक तरीके से आपने बताया, बिल्कुल टेस्ट करके आपको मैंने दिखा दिया। वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ सीखने के लिए मिला हो तो इसको लाइक ज़रूर करना और अपना कमेंट में सुझाव जरूर देना। अगर आपका प्रैक्टिकल सक्सेसफुल हो जाता है तो वो ज़रूर बताना, अगर कोई दिक्कत आती है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना, वो भी मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन मैं दे दूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।